समीर वानखेड़े ने अब एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोंट अरेस्ट मी। दरअसल आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल जो है इस पूरे केस में जिसे गवाह बनाया गया था उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कई खुलासे किए। तो अब समीर वानखेड़े ने फंसाए जाने के डर से कानूनी कार्यवाही और सुरक्षा की मांग की है। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा है और उनके खिलाफ सम्मानित हस्तियों द्वारा जेल और रेजिग्नेशन की धमकियां दी जा रही है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। इस बयान को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हालिया टिप्पणी के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI के को कहा था, उनके यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास एक कठपुतली है वानखेड़े, वे लोगों के खिलाफ फर्जी मामले बनाते हैं, मैं वानखेड़े एक साल के भीतर अपनी नौकरी खो देंगे, हमारे पास फर्जी मामलों के सबूत है, इस बात का उन्होंने दावा किया था। अब कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा की मांग करते हुए समीर वानखेड़े ने पत्र में कहा है कि अज्ञात व्यक्ति उन्हें झूठा फंसाने की योजना बना रहे हैं। तो अब उन्होंने इस बात को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है और ये साफ कहा है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए और डोंट अरेस्ट मी की मांग की है, क्योंकि कल जब ये विटनेस का वायरल वीडियो सामने आया उसके बाद इस बात को लेकर काफी बवाल हुआ कि क्या समीर वानखेड़े, क्योंकि उस वीडियो में ये दावे किए गए थे कि 25 करोड़ की डील की जा रही थी जो बाद में 18 पर सेटल हुई और उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। हालांकि इस पर NCP ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें साफ लिखा था कि ये सारे दावे झूठे हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर उनके रेजिग्नेशन की अरेस्ट की मांग उठने लग गई। तो अब उन्होंने खुद होकर सामने से सुरक्षा की मांग की है समीर वानखेड़े ने और डोंट अरेस्ट मी का लेटर जो है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा है।